दोस्तों, क्या आपको पता है कि तुर्कमेनिस्तान में एक गड्ढा है जो हमेशा जलता रहता है? दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। तुर्कमेनिस्तान में यह गड्ढा पिछले 50 सालों से जल रहा है। 50 साल पहले वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे में आग लगा दी थी और ज़मीन में मीथेन गैस की होने के कारण यह आग अब तक जल रही है। यह जगह अब एक टूरिस्ट पॉइंट भी बन गई है। अब एक बात तो आपके दिमाग में आई होंगी कि यह गड्ढा हुआ कैसे, कि उस टाइम वहाँ के इंजीनियर लोगों को ये पता चला कि तुर्कमेनिस्तान की इस जगह पर अंदर खनिज तेल की मौजूदगी है और उसी के लिए उन्होंने वहाँ पर खुदाई शुरू की। उसके बाद उन्हें पता चला कि यहाँ खनिज तेल नहीं बल्कि नेचुरल गैस मौजूद है। खुदाई के टाइम एक बड़ा खड्डा खोदने के कारण उसमें से मीथेन गैस बाहर आने लगी। यह गैस इंसानों को के लिए हानिकारक थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसे रोका कैसे जाए। आखिर में उन्होंने उस गड्ढे में आग लगा दी। उन्हें लगा कि कुछ समय बाद यह आग अपने आप ही जलकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह आग पिछले 50 सालों से अब तक जल रही है। तो दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।